दोस्तों बहुत से लोग काफी परेशान हो रहे थे जिनका पैसा भी नहीं आया और बहुत का रेफरेंस नंबर भी खो गया है। तो दोस्तों आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि सरकार की एक अपडेट आई है जिसमें आपका रेफरेंस नंबर खो गया हो या आपने लिखा नहीं, तो ये अपडेट कारण भी बताएगा आपके पैसे क्यों नहीं आए, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको अपना रेफरेंस नंबर पता करने के लिए एक लिंक पर जाना है जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, उसके बाद दो ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको अगर जानना है कि आपके पैसे क्यों नहीं आए तो आप एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कीजिए, और अगर आपका रेफरेंस नंबर खो गया है या आप लिखना भूल गए हैं तो आप फाइंड योर रेफरेंस नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपको आधार नंबर भर देना है, जिसके नाम से फॉर्म भरा था उसका आधार नंबर। भरने के बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए और स्टेटस चेक कर लीजिए, और अगर आपके लाइसेंस और आधार में नेम मिसमैच है तो जल्दी से अपलोड कर दीजिए अपना आधार कार्ड, ताकि जो 5,000 की राशि है वो आपके अकाउंट में जल्द से जल्द आ सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।